अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूं मेरू कैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत डिलीशियस और लाजवाब रेसिपी। ये है आलू और प्याज का पलिया। इसे डोसे के साथ खाया जाता है, जो डोसे के अंदर फिलिंग होती है ये वही पलिया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल जो है वो गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 3 सूखी लाल मिर्च और 1 टीस्पून जितना सरसों डाल रही हूँ, ये देखिए। और उसके बाद हमें लेना है 10-12 कड़ी पत्ता, देखिए बिल्कुल फ्रेश कड़ी पत्ता है ये। ये डाल दिया हमने और हल्का सा इसको चला लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट लिया था, ये देखिए। और इसको पिंक होने तक, हम प्याज को पिंक होने तक भून लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत डिलीशियस रेसिपी है गाइज, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने चीला की जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। मैंने चीले के साथ भी इसको सर्व किया था, तो वो रेसिपी भी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ये देखिए प्याज पिंक होने लगी है, तो मैं इसमें चना दाल डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने चना दाल लिया है और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं भी इसे 5 मिनट के लिए और भून लूँगी। ये देखिए, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं ज़रूर, आप चाहूँगी कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितनी हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेना है आप लोगों को। और फिर इसे अच्छी तरह से भून लेना है, हल्दी का कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब मैं चेन्नई गई थी, जनवरी में मैं चेन्नई गई थी, तो वहाँ पर पलिया को पूड़ी के साथ सर्व किया गया था जिस होटल में हम लोग गए थे। बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन था उसका, मीन्स डोसे के साथ तो आपने पलिया खाया है, मैंने चीले के साथ भी घर पर खाया था, लेकिन चेन्नई में मैंने इसको पूड़ी के साथ भी खाया था। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया और उसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। 6-7 हरी मिर्चें ली है, उसे भी बारीक काट लिया। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से टमाटर के मैश होने तक भून लूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के भून लेना है, मसाला लगना नहीं चाहिए और टमाटर भी अच्छी तरीके से मैश हो जाना चाहिए। बहुत डिलीशियस रेसिपी है ये और बहुत ही इजी, कम मसालों में बनी हुई ये रेसिपी है। ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो चुका है, पानी भी बिल्कुल खुशक हो गया है। अब हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये 5 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे और आलू को बॉईल करने के बाद उसे मैश कर लिया है अच्छी तरीके से। आप थोड़ा थोड़ा बड़ा सा भी मतलब आलू को अच्छी तरीके से चाहें तो मैश कर लीजिए कि बिल्कुल ही मैश हो जाए, और थोड़ा बहुत आप उसको साबुत भी रहने दे सकते हैं, आपके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है, आप जिस तरीके से पसंद करें। ये देखिए, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है कि आलू में बहुत अच्छी तरीके से मसाला समा जाए। ये देखिए, और बहुत ही डिलीशियस बनता है, इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब, और इतने कम मसाले में इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स में ये रेसिपी बन जाती है। मीन्स जल्दी से अगर आपको भूख लगी हो तो आप इसको बना सकते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए पूड़ी के साथ, डोसे के साथ, चीले के साथ। और ये रेसिपी बनके रेडी है समझ लो। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं, हरी धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे हम लोग। बारीक काट ली थी मैंने हरी धनिया। ये देखिए, गैस को भी मैं ऑफ कर दिया है। ये देखिए, मैंने पलिये को डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, लाजवाब सी चीले की रेसिपी आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी। अगली रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।